असलम वालेकुम व्यूअर्स, आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी डिज़ाइन सा एम्ब्रॉयडर सा जो पीस है, ये आप लोग किस तरह से तैयार कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे फैब्रिक लेना होगा। यहाँ पे जो मैंने फैब्रिक लिया है ये सिंथेटिक फैब्रिक है। आप लोग अगर चाहते हो तो शिफॉन जॉर्जेट ले सकते हो, शिफॉन जो फैब्रिक है वो ले सकते हो, जॉर्जेट ले सकते हो, सॉफ्ट जो जॉर्जेट है वो भी ले सकते हो। और वो जो जॉर्जेट जैसे फैब्रिक होना चाहिए, तो ये रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे ये जो कपड़ा है मेरे बच्चे के लिए ये तैयार कर रही हूँ। तो 1 इंच का डिस्टेंस मैं छोड़ के यहाँ पे मैं दाग दे रही हूँ। अगर आप लोग चाहते हो तो इससे छोटा करके भी आप लोग ले सकते हो। यहाँ पे मैं मीडियम साइज़ का ले रही हूँ, इससे ज़्यादा बड़ा मत करना, तो वो रिज़ल्ट जो है दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। जितना छोटा हो सके उतना छोटा करना, तो दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन कर दे रही हूँ। उसके बाद इसको स्क्वायर शेप में मैं करूँगी। अगर आप लोग चाहते हो तो ट्रायंगल शेप में भी कर सकते हो, रेक्टेंगल करके भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं स्क्वायर शेप का मैं करूँगी। तो यहाँ पे 1 इंच चौड़ाई और 1 इंच है इसका लंबाई में करके यहाँ पे ये दाग दे रही हूँ। इसी तरह से मेरी जो और लाइंस है उसको मैंने कर लिया है। और यहाँ पे मैं जिगजग स्टिच से यहाँ पे स्टिच करूँगी। जिन लोगों के पास जिगजग स्टिच नहीं है उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी, जो नॉर्मल सिलाई मशीन्स है उससे आप एक एक जो स्टिच है वो 2 से 3 बार करो। तो इससे होगा क्या, वो जो स्टिच है वो बहुत ही हेवी होगा और ये जिगजग स्टिच के जैसा ही रिज़ल्ट आएगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, 5 से 6 बार आप लोग ये करो, तो ये जो स्टिच है वो थोड़ा अगर हैवी होता है तो ये जिगजग स्टिच के जैसा ही लगेगा। तो यहाँ पे मेरी स्टिच में सिलाई मशीन में ऑप्शन है घने जो होती है जो स्टिच वो ऑप्शन है, तो मैं उस ऑप्शन से ही कर रही हूँ। और जो लोग नॉर्मली सिलाई मशीन से माप नहीं कर सकते उन लोगों को 2 से 3 बार करो तो ही चलेगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं आप लोगों को 2 बात कहना चाहती हूँ। अगर आप लोग चाहते हो तो जो कॉयल है इस कॉयल के साथ भी आप लोग कर सकते हो, या फिर जो सेंटर का पीस है कपड़ा जो है वो काट कर भी आप लोग ये कर सकते हो, जो आप लोगों को इजी लगे। कटिंग करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आप लोग जो कॉयल है इसको इस तरह से आप लोग उसको यहाँ पे थोड़ा और एक बात मैं कहना चाहूँगी, थोड़ा ध्यान से काटना, जो जिगजग स्टिच के ही तक आप लोगों को कट करना है, जिगजग को इसको नहीं आग देना है। जिगजग को आप लोगों को मैं थोड़ा करीब ले आ कर दिखाती हूँ तो आप लोगों को समझ में आएगा कितना नज़दीक मैंने गया है मैंने। तो इसी तरह से मैं ये जो पार्ट है मैंने ये तैयार कर लिया है। आप लोगों को क्या करना होगा, नीचे पे एक फैब्रिक देकर जो विजिबल हो वो उसके कलर की कॉम्बिनेशन आप लोग करके यहाँ पे ये ड्रेस इस तरह से उसके ऊपर लगाकर आप लोग इसको ड्रेस, कोई भी ड्रेस भी आप लोग ये तैयार कर सकते हो। बेबी की फ्रंट की ड्रेस जो टॉप पीस है वहाँ पे स्लेवेस पे मैं थोड़ा कुछ पिक दे दूँगी वीडियो के आखिर में, आप लोग वहाँ पर देख सकते हो किस तरह से आप लोगों को ये काम आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पे तैयार है। और इसको आप लोग जिस तरह से हम नेट फैब्रिक यूज़ करते हैं ठीक ऐसे ही आप लोगों को ये यूज़ करना होगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कॉमेंट करना। और जो लोग नए हों उन लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, तो सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा जब मैं ये न्यू वीडियो दूंगी। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।